नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ना, रियलमी C3 तो इस मोबाइल में हम बताने वाले हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में कहीं पर भी अगर सेटिंग आपसे मतलब ख़राब हो चुका है, आप सही नहीं कर पा रहे हैं, या आप मतलब जिस तरह न्यू मोबाइल का सेटिंग आता है उस तरह अगर आप करना चाहते हैं, या सेटिंग किसी ने ख़राब कर दिया तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर देखिए सिस्टम वाला ऑप्शन है, इस पर आप टच करेंगे, उसको आप देख सकते हैं रीसेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क, उसको रीसेट। तो दोस्तों, यहाँ पर रीसेट सेटिंग वाला जो ऑप्शन है वो नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है, क्योंकि इस मोबाइल में दिया ही नहीं है। बैक आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आ जाना है यहाँ पर ऐप्स वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स वाला पर। जैसे आप आएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं CR जो भी ऐप है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग वाला जो ऑप्शन है, इस पर टच। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड कैची और ऑप्शन है, इस पर आप टच करेंगे, वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर स्टोरेज। तो यहाँ पर जैसे स्टोरेज क्लियर करेंगे वैसा ही आपका जो भी आपका सेटिंग रहेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब जो भी आप मोबाइल में सेटिंग किया, जिस तरह का सेटिंग रहता है उस तरीके का आपका सेटिंग हो जाएगा।